ऐसा है क्या? नीचे भी जा सकते हैं, यहाँ घुसन से बात करेंगे ना। तो ये धब्बा कुछ फोल्डर में चला जाता है, कुछ फोल्डर में नहीं जाता है, समझे कि नहीं। यदि इसमें हल्का सा और कम आता तो हमें थोड़ा ज़्यादा आया, ठीक है। ये आता है जब आप कटिंग करेंगे उसमें कभी कभी लोग पंचिंग करते हैं उस समय भी, समझे। टूटा हुआ कि अलग रहता है, लाइनिंग आ जाता है या लाइट, समझे कि नहीं। तो इस तरह का केस आपको सब पर्टन में नहीं, सब नहीं आया। कितना सारा पर्टन को यहाँ पे कटिंग करा उस समय नहीं, इसको हीट में खोलना पड़ेगा। हाँ, हीट में खोलना पड़ेगा। इसको क्या है प्रॉब्लम, पीछे खोलना है, इधर लाओ,
देखो जो हीट करने का खोलने करेगा वो आपको अलग दिखेगा। देखो आपको इसका ढक्कन लग रहा है, यहाँ पे सीधे नाखून डालो, पूरा नाखून खूब मजबूत रखो। ऐसा खाता पीते कि नहीं बढ़ाते जो फील्ड में आ गए जो बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा नाखून को मजबूत करना समझे कि नहीं। पहला वजन हम लोग का वही है, नहीं भी कुछ मिलता तुरंत सबसे काम पॉकेट में वो ला रखा है, कुछ बाजार लाना चाहिए। देखो खुल गया ना, लग नहीं तो समझे कि ना। तो उस तरह से फिर कुछ चीज लाना चाहिए ना जी। तो सर अब आगे मैं ये क्या चेंज है सर, क्या बदला पड़ी कौन से जा जो हाइब्रिड के लाइट नहीं आ रहा है प्ले बोर्ड में ब्लैक आ रहा है। अच्छा हाइब्रिड क्या मतलब ऑन हो गया, ऑन हो गया। हाँ इसमें आप चार्ज लगाए तो चार्ज भी लिया, यूएसबी में सो भी किया चार्जिंग, और जब बटन दबाए हाइब्रिड किया कंपन किया मतलब इसमें डिस्प्ले कुछ नहीं है, प्लस में डिस्प्ले टूटा हुआ है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला काम करेंगे डिस्प्ले को सीबीआर करके चेक करेंगे, ठीक है। और हमें पूरा उम्मीद है कि डिस्प्ले चेंज करने से, क्योंकि कस्टमर का भी कंप्लेंट था कि हमारा डिस्प्ले क्या नंबर का है चलाते चलाते ब्लैक पहले से ही उनका लाइनिंग था, लाइनिंग पहले से मतलब टूटा हुआ था। इसमें तो 100% श्योर है फोल्डर चेंज करेंगे और सही हो जाएगा। चल कितना पड़ेगा फोल्डर, कितना पड़ेगा मॉडल नंबर क्या है, ये सीरीज का है ना, वही मान के चलिए 700 का रख के छोड़ देंगे ना फिर अच्छा लेकिन आपको चाहिए अभी तो नहीं कुछ कुछ फोनों में आता है, कुछ कुछ फोनों में आता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, मतलब ज्यादा गर्म करने उसकी वजह से ही आता है, ठीक है। अगर पंचिंग मशीन में भी डालेंगे ना तो भी लेमिनेशन करने के लिए दबाता है, उस समय भी ब्लैक धब्बा स्पॉट आने का चांसेस रहता है। इसीलिए कस्टमर को बोला जाता है कि ग्लास टच को चेंज करते समय आपका फोल्डर खराब होने की संभावना भी हो सकता है, यदि आपके फोल्डर में किसी तरह का इशू प्रॉब्लम आएगा तो आपको कंप्लीट फोल्डर चेंज करना पड़ेगा। समझे कि नहीं, ये रिक्स कवर कस्टमर को बता देना होता है, ये जानकारी कस्टमर को दे देना होता है, उसके बाद हम लोग करते हैं ना जी। क्या बोलते हैं कस्टमर को, क्या बताते हैं आप बोलिए, क्या बताना बताते हैं आपको, रिक्स लेना पड़ेगा डिस्प्ले का, है ना, क्योंकि ये शीशा है, क्या है शीशा, कम चल जाएगा इसका कोई मतलब नहीं, समझ रहे कि नहीं। हम काम कर रहे हैं आपको कम से कम पैसे बना के दे देने के लिए, हम तो काम क्यों कर रहे हैं कि इसको कटिंग करके हम बोलते हैं बोला चेंज हो जाएगा तो आपको ज्यादा पैसा लगता कि नहीं लगता। तो हमारा प्रयास ये है कि कम से कम में पैसे में आपको सर्विस करके प्रोवाइड कर, ठीक है। उसके लिए हम लोग कटिंग करके लेमिनेट करके फिर सुनाने का प्रयास करते हैं, उस क्रम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम परेशानी आता है तो आपको कंप्लीट फोल्डर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पहले साइन करवाते हैं, ठीक है, चीन फार्म तो करेंगे लेकिन कोई डॉक्टर चाहता है क्या कि मेरे पास जो मरीज आया है वो किसी भी तरह नुकसान हो जाए, वो पूरा प्रयास करता है जहां तक उसका पास माइंड होता है, वो पूरा कोशिश करता है कि हमारे पास जो पेशेंट आया वो सही होकर के जाए, क्या होकर के जाए। तो जितने भी मोबाइल मैकेनिक है जितने भी दुकान वाले वो सोचते हैं कि हमारे पास कस्टमर ये फोन दिया रिपेयर करने के लिए, हम इसको जितना अच्छा से अच्छा करके दें, वो नहीं चाहता है तोड़ फोल्डर, समझे कि नहीं। अब शीशा है ग्लास है, हल्का सा भी डैमेज होगा तो टूटने का संभावना होता है, लेकिन क्या आपका काम क्या है, संभल के काम कर, कस्टमर को आप बचाओगे तो कस्टमर आपको बचा लेगा, समझ रहे कि नहीं। आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे दिए उसको मजा आ गया पसंद आ गया और कस्टमर लेकर के आ जाएगा, तो आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे कस्टमर को बचा सकते हैं। इसका सर पहले क्या ध्यान रखा जा सकता है,
देखो ये सब कभी कभार निकालते समय ज्यादा हार्ड ग्लू से चिपका रहता है, जब हम पल्ट को निकाल रहे होते हैं और पल्ट में किस तरह से लोड पड़ता है उस समय स्पॉट का धब्बा आने का संभावना होता है, समझे कि नहीं। ये सब काम करेंगे तो संभावना ग्लास का है लेकिन होता नहीं है, कुछ कुछ में होता है। क्या होता है, यदि हम 10 में काम कर रहे हैं तो एक और दो में बनने का संभावना होता होता है ना जी। दुकान ऐसे है, आपका दुकान तो ऐसे है जी, लेकिन ये स्पोर्ट अभी भी आता है। तो ये आप नहीं समझे कि हम आज सीख रहे मेरे साथ, इसमें आपको जब फोल्डर को निकाल रहे हो उसमें जितना सावधानी से अच्छे से आप निकाल सकते हो, समय भी आपको कभी ध्यान रखना पड़ता है कि खूब ज्यादा हीट ना हो जाए। मंचिंग के समय में तो मशीन का कुछ काम कर नहीं सकते, मतलब दबाएगा, मतलब दबाएगा, समझ रहे कितनी, तो वो चांसेस वहां पे होता है। ठीक है, इसीलिए जब तक हमारा कंप्लीट फोल्डर बंद करके नहीं निकलता निकलता है तब तक कस्टमर को गंदी पहन के क्या कि नहीं अपना परिचय बनाओ, क्या करो सर, मेरा नाम क्या और कौन से थे इसका बैटरी भी खत्म है, इसमें फिल्टर लगाना है ना, कुछ नहीं अभी इसे गर्म करो।